दिन पहले गोल्ड की आशा है और एडिस क्रोए बहुत मजबूत प्रतिपक्षी है। हंस मलिक की हालिया फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी पोजीशन बनाई है। उसके बाद अंशु का डिफेंस बचा, एक बार जब आप टेक डाउन कर दिया अपने विरोधी को फिर बहुत सारे मूव लगाने की पोजीशन में आप आ सकते हैं। दो पॉइंट की लीड और कृपा शंकर जी के सामने रखा हुआ 2 किलो पनीर कब साफ हो जाए पता नहीं चलता। रेसलिंग खेल आता है, एक दाव अगर आपका सही पड़ गया तो आप तुरंत वापस आ सकते हैं। आपने तो बावजूद पहलवानों को जीते देखा होगा स्पिन बॉल से, कुश्ती में कुछ भी संभव हो सकता है। और अभी हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, 2-0 एक बहुत बड़ी बात नहीं है अंशु मलिक के सामने। रेसलिंग है ये वो WWE वाली रेसलिंग है जो आप सोनी पे देखते हैं, जहाँ इंजर कर सकते हैं, जहाँ विरोधी को चोट नहीं पहुंचानी है, मूव लगाने हैं और मूव के आपको पॉइंट मिलते हैं। टेक डाउन अभी एडविन क्रोए ने किया था, जब आप अपने विरोधी को फेस के बल पे जमीन पर लिटा दें, आपकी उस विरोधी के कम से कम 5 से 3 लिफ्ट जमीन पर हो और आपका कोई मेजर लिफ्ट उसके हाथ में ना हो तो 2 पॉइंट मिलते हैं जो ऑटोमायो ने अभी तक ले लिया। अंशु मलिक को आगे भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, पांव को बचाते हुए अटैकिंग पोजीशन में लगातार कुछ करना पड़ेगा, उसको ठिकाना होगा।